नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज, शुगर, मधुमेह के बारे में। तो आप जान लीजिए, जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग सुबह खाली पेट 125 के ऊपर और पीपी पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वो 150 के ऊपर होता है, तो वह व्यक्ति शुगर का मरीज होता है। तो आप जान लीजिए, डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है। इसके 2 टाइप हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ये 5% पाया जाता है और ये 18 से 20 साल से कम उम्र के ही बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं बन पाता है। इसमें पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन की उत्पत्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि वह ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण नष्ट हो जाता है, ख़राब हो चुका होता है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, वो लोग ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए नियमित प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। अब आप जान लीजिए, टाइप 2 डायबिटीज़ ये बहुत कॉमन होता है और हमारे कम्युनिटी में 95% पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारा पैनक्रियास उतना बना नहीं पाता, या किसी कारणवश हमारा जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को सेल तक नहीं पहुंचा पाता। और इसी कारणवश जब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घुल जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। और जब हम डायबिटीज़ की जांच करते हैं तो हमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है, और यही ग्लूकोज हमारे आँखों, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आप जान लीजिए, इसके मुख्य कारण या फैमिली हिस्ट्री के कारण, 50% फैमिली हिस्ट्री के कारण शुगर होता है, और ओल्ड एज की वजह से बहुत टेंशन जो लेते हैं, और ओवरवेट, बहुत ज़्यादा जो फैट डिपोजिशन होता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा जो फैटी होते हैं उनमें चांस बढ़ जाता है। तो यदि आप जान लीजिए, शुगर बढ़ा, शुगर सभी बीमारियों की जड़ है, यहाँ से बीमारियों की उत्पत्ति होना शुरू होता है। तो आप अपने शुगर को कंट्रोल रखें, आप अपने मोटापा को कंट्रोल करिए। मोटापा कंट्रोल करने के लिए हमने पिछला वीडियो बनाया, उसको ध्यान से देखिएगा मित्रों। हम आप जान गए शुगर डायबिटीज के बारे में। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वो घरेलू नुस्खा, वो प्राकृतिक चिकित्सा जिसके द्वारा आपका मधुमेह, आपका शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, एकदम नॉर्मल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।